जय हिंद जय भारत दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़ी सर्च इंजन गूगल गूगल पे भारत ने 1337 करोड़ रुपया का जुर्माना लगा दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि गूगल एक इंटरनेट सर्च है, इंटरनेट कुछ भी सर्च करना हो तो गूगल पे सर्च कर लो। दोस्तों गूगल जो है केवल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन लोगों को ज़्यादातर अपने फ़ोन के अंदर गूगल ही दिखाई देता है। कुछ भी करना भाई गूगल कर लो। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है गूगल, और इस गूगल पर भारत ने 1337 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। और इस जुर्माने के कारण बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारत में फ़ोन की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत ने जुर्माना गूगल पे लगाया है, तो इसलिए भारत में ही फ़ोन की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने गूगल पर क्यों जुर्माना लगाया है, इसका कारण क्या है, और भारत की कौन सी संस्था इस पे जुर्माना लगाई है, और ये जो जुर्माना लगा है क्या इस जुर्माने के कारण फ़ोन की दाम भारत में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम फ़ोन खरीदते हैं, नई फ़ोन जब हम लेते हैं, तो उस फ़ोन में पहले से ही कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो डले हुए आते हैं, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी पहले से ही उस न्यू फ़ोन में कुछ ऐप डले हुए आते हैं, जैसे YouTube, जिस माध्यम से अभी आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये भी जो YouTube जो है ये गूगल का ही पार्ट है, ये ऑलरेडी मोबाइल में न्यू फ़ोन में डले हुए आते हैं। खुद गूगल के कुछ गूगल ड्राइव, गूगल होम, गूगल मैप, गूगल के बथेरे ऐसे ऐप हैं जो ऑलरेडी फ़ोन में डले हुए आते हैं, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बिना आपके इजाज़त से बिना आपसे पूछे ये फ़ोन में डले हुए आते हैं। फ़ोन आप खरीदते हैं, पैसे आपके लगते हैं, और ये जो गूगल है ये अपना ऐप ज़बरदस्ती आपके फ़ोन में डाल के देता है। इसी को देखते हुए ये चीज़ भारत की एक संस्था है जिसका नाम है CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये चीज़ इस संस्था को गलत लगी और इसने गूगल से कहा कि भाई आप जो हैं भारत के मार्केट में एक प्राइवेट प्लेयर हैं, आप कोई भारत की कोई संस्था नहीं है, भारत की कोई चीज़ नहीं है कि आप अपनी मर्जी से भारत में जो फ़ोन जो कस्टमर भारत के खरीद रहे हैं उसके अंदर आप ज़बरदस्ती से अपना ऐप और अपना जो चीज़ें हैं वो ज़बरदस्ती से आप डाल दे रहे हैं, और ना ही वो जो ऐप है वो अनइंस्टॉल हो रही है ना फ़ोन से हट रही है। इसी को देखते हुए CCI ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। और दोस्तों ये जो CCI है ये भारत में कोई भी प्राइवेट कंपनी जो काम करती है, अगर वो कंपनी कोई इलीगल काम कर रही है और सही तरीके से काम कर नहीं रही है तो उसका देख रेख जो है ये CCI करती है, और इस CCI का गठन 2003 ईस्वी में हुई थी। इसी ने हाल फिलहाल में ही गूगल पर 1337 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। दोस्तों अब बात आती है कि अगर इस पे ये जुर्माना गूगल पे लगाया है तो गूगल कहीं से ना कहीं से इसका भरपाई करेगा ही, कहीं ना कहीं इसका वसूली करेगा ही। तो गूगल इसका वसूली अपने जो अप्लायंस हैं उनसे करेगा, या जो फ़ोन निर्माता हैं उनसे कुछ सर्विसेज देने के लिए पैसे की ज़्यादा मांग करेगा, जिससे फ़ोन की दाम जो होगी भारत में बढ़ जाएगी। इस तरह दोस्तों अगर अभी हम फ़ोन जो चलाते हैं वो कहीं ना कहीं से सभी तरह से गूगल से ही कनेक्ट है, आपको जीमेल आईडी बनाना हो, यूट्यूब चलाना हो, प्ले स्टोर चलाना हो, सभी जो है अधिकतर जो है गूगल से ही कनेक्ट है। इसलिए फ़ोन निर्माता जो हैं वो गूगल के हेल्प से ही अपने फ़ोन को अप्लायंस जो है गूगल के वो करते हैं,
क्योंकि गूगल के विदाउट सहायता से फ़ोन जो है वो नहीं चल सकता है। इसलिए गूगल कहीं ना कहीं से ये जो 1337 करोड़ है वो भारत के कस्टमर से ही कहीं ना कहीं से वसूली कर ही लेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारत में फ़ोन की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी। इस तरह दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि क्यों गूगल पर जो ये लगा है जुर्माना वो क्यों लगा है, इसका क्या कारण है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।